उस्ताद की बिरयानी बेचो बच नहीं रही है। ठीक है ना भाई, तुम क्या हुआ भाई, आपको भी? मेरे को क्या, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? अपुन का पेट दर्द। हाँ भाई, लगता है मामू लोग ना बिरयानी में बद्दुआ डाल के भेजा है महाराष्ट्र। तावला। हाँ भाई, अपुन को एक आदमी मांगता है नजर रखने के लिए, ये भरोसे वाला। भाई इधर तो बहुत भरोसे का आदमी लगेगा साला संडा। तावला, पुलिस स्टेशन है ये, पुलिस स्टेशन। या दीवारों के कान के साथ आंख मुंह नाक भी होता है, लेकिन तुम लोग टेंशन नहीं लेने का, एक एक करके आप उन सब कुछ काट देगा, है ना? चलो काट दे। नवाब अंदर सारी बातें सुन रहा है। तुम्हें कैसे पता? इन्फॉर्मर है मेरा अंदर। तो तुम्हारा इन्फॉर्मर अब तक मौन क्यों था? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था सर। ओके, एक काम करो, अपने इन्फॉर्मर से पता करो कि नवाब की सिक्योरिटी के ब्रीचेस कहां कहां हैं। पता चलेगा कि तुम्हारा इन्फॉर्मर कितना सच्चा है। भाई लगता है बाहर चैनल चेंज कर दिया सबने। तुम ढूंढ कौन से फ्रीक्वेंसी पे बख्शी और कदम है, नहीं तो तेरा सारा सिग्नल अपन ऑफ कर देगा। पता नहीं भाई, मिल नहीं रहा है, सिग्नल गायब हो गया। गायब हो गया? भाई तो ठीक है, तू भी गायब हो। बाबा भाई, भाई, बाबा भाई, 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 भाई। अब आपका सब्र खत्म हो रहा है, शायद वो गलतियां करने लगा है। कदम, तुम्हारे इन्फॉर्मर से कुछ पता चला? जल्दी पता लगेगा सर। आजा। ये संभाल के रे। अब जिसके पास फोन और रेडियो ठीक करने का जुगाड़ होगा वही मुंह खोलना। मिसल जोसेफ, मैं रेडियो ठीक कर सकता है, प्लीज गिव मी चांस। पुलिस वाला है तू? नहीं, इंजीनियर है और फ्रॉड केस में अंदर आया, चेक कर सकता है रजिस्टर। वो तो अपन करेगा इच। याकूब। हाँ भाई। एंटन जोसेफ। हाँ हाँ। सुन बे इंजीनियर,
अगर अपुन के साथ फ्रॉड किया ना तो तेरा सारा तारा अपुन खुद तोड़ेगा। चल जा अभी काम पे लग। थैंक यू सो मच। सावला भाई नजर रख इस पे। ए जब से अंडरवर्ल्ड में आया है किसी पे आसानी से भरोसा होता ही नहीं। गद्दारी इस धंधे के खून में है। मस्तान और लाला भी ऐसे ही ऊपर आए थे। बंबई के असली डॉन दादा भाई के चेले थे कभी, फिर उसी को धोखा देकर जेल भिजवा दिया और बंबई हड़प लिया। पर अभी दादा भाई जेल से छूट गया था और अंडरवर्ल्ड के पावर के पत्ते एक बार फिर सफल होने वाले थे। मुंबई शहर में 10 साल तक आतंक फैलाने के बाद मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन दादा भाई, जिन्हें ओलीवाड़ा का राजा कहा जाता है, आज आर्थर रोड जेल से रिहा होकर अपने घर वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ सब विटनेस या तो अपने बयान से पलट गए हैं या गायब हो गए हैं। बंबई शहर में हुकूमत जमाने के लिए दादा भाई ने अपने ही तीनों भाइयों को मार दिया था। एक माल ला के रखे लाए, आज फुल टू जश्न होगा या फिर पहला आराम करेंगे। 10 साल से और क्या हो रहा है, इतना कर आराम ही तो हो रहा है। अपन को मस्तान और लाला का साथ चाहिए, अपन को अपना धंधा चाहिए, अपना पार चाहिए, सब कुछ वापस चाहिए। आतंक फैलाने के बाद मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन दादा भाई, ओलीवाड़ा का राजा कहा जाता है, आज आर्थर रोड जेल से रिहा होकर अपने घर वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ सब विटनेस या तो अपने बयान से पलट गए हैं या गायब हो गए हैं। बंबई शहर में हुकूमत जमाने के लिए दादा भाई ने दादा भाई वापस आके बदला जरूर लेता लाला और मस्तान से। लाला की ये खबर सुन के ही फटने लगी थी, पर मुझे दिख रहा था मौका। अंडरवर्ल्ड के पत्ते फिर से बटने वाले थे और इस बार सारे एक के मुझे ही चाहिए थे। पैन होते होते ओ हो हाँ, ये आ गई हीरोइन। फिर पैन करते 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 यहाँ यहाँ से होगी हीरो की एंट्री। बाइक पे आएगा 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 आएगा। ये कौन है? ये अपने यूनिट के तो नहीं लगते हैं? क्या बोले था दादा भाई? लाल और मस्तान से दूर रहने का मादर चोद। दादा भाई जेल में थे ना तो हमारी लाला का आदमी कौन है इंडस्ट्री में ये बोलने का? नहीं भाई, लाला भाई हमको मार देगा, लाला मार देगा हमको, हम नहीं बता सकते। भाई मार डालेगा तो मैं क्या आरती को उतारेगा? बता बता बोल बता, समीर खाना। थैंक यू, अभी से आखा पिक्चर दादा भाई का। तुम लोग दादा भाई को तला किया मादर चौथ? नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। ट्रेलर तो मैं इंडस्ट्री को देखे रहेगा। ट्रेलर दादा भाई ने धंधे में वापस घुसने के लिए अंडरवर्ल्ड का सबसे पुराना तरीका चुना, डर का। जो लोग लाला मस्तान के प्रोटेक्शन में थे उनका प्रोटेक्शन और जान दोनों छीनना शुरू कर दिया। दादा भाई रुकने वाला नहीं है, अभी एक-एक करके सारा धंधा वापस चीज को, सारा धंधा। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, बैठ बैठ, बोला ना बैठ। क्या है हुसैन, बोलो। मानवली की बात चलाऊं? ये हुसैन भाई
मानवाली धंधे में होती है, इज्जत में नहीं। वो ऐसी फसल लेके बैठा है, बदला लेने तो आएगा वो। तो फिर आप क्या? अभी अपना अपना लड़का लोग डबल कर दो, और जितना प्रोड्यूसर लोग उनको फोन करो, उनको बोलो कि बस्तान भाई का हाथ है उनके सर पे। हेलो, नवाब को बुलाओ अभी। एक तरफ अंडरवर्ल्ड में उथल पुथल चल रही थी, तो दूसरी तरफ अपने लाइफ में तूफान आने वाला था, एक बहुत खूबसूरत तूफान। कट कट कट। लैला तुम आओ और सोनिया जी को सही स्टेप दिखाओ। जी मास्टर जी। म्यूजिक स्टार्ट। ऐसा करोगी तो चिंगारी तो भड़केगी। वो अर्जेंट फोन आया बोला है। अरे आपने नाम नहीं बताया। किस्मत ने चाहा तो अगली मुलाकात में आपको नाम पता चल ही जाएगा। देखो धंधा बड़ा करने का ना, अपन बात करते हैं। उससे पहले अपना एक काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो ना भाई। समीर शाणे को जानता तू? हाँ। दादा भाई एक पालतू पुलिस वाला है, उसको उठाया है, थर्ड डिग्री दे रहा है, सारा अपना ऑपरेशन का उल्टी करवाएगा उससे, और अगर वो टूट गया ना तो सब गेम खलास। उसको उड़ाने का? उड़ाने का तो देर को बुला था। अभी अपना हीरो वाला दिमाग ना एकदम सुपर फास्ट चलाने का, उसका पीपड़ी बन चाहिए मुझे कल तक, समझा? ठीक है भाई, आप टेंशन मत लो। अब ये शाना अपना धंधा तो क्या, अपने बाप का नाम तक भूल जाएगा, ना आपका वादा है। खुद को लाला के सामने साबित करके यही चांस था मस्तान तक पहुंचने का। प्लान तो था अपने पास, पर थोड़ा टेंशन था, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस बार आर या पार था। कैसा लगा आइडिया? आइडिया तो मस्त है तेरा, है ना? लेकिन जैसे कहा ना मैंने, रिस्क बड़ा है, अगर फंसेंगे तो लंबा फंसेंगे। मेरा कुछ नहीं, मैं संभाल लेगा, लेकिन तेरा क्या? तू फिर वही बात, तो मेरा टेंशन मत ले। रिस्क है तो है, अपने ऐसे नहीं कहा था 50-50 पार्टनर क्या? तेरे यही बात पे तो नवाब फिदा जाने वाली है। अच्छा सुन, ध्यान रखना, वेट करे ला पर। साहब एंट्री। आपका नाम क्या? सायरा साहब। किससे मिल रहे हैं? समीर शाह। ओ मैडम थामा, थामा मैडम। हाँ साहब। किससे मिल रहे हैं? साहब समीर साहब, मर दे वो मेरा साहब। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बस दो मिनट दे रहा हूँ मैं, ठीक है बस दो मिनट। हाँ कौन है बे तू? इधर आ। क्यों? लाला का पैगाम लाई हूँ, पुलिस के सामने मुंह मत खोलना। यहाँ तूने मुंह खोला और वहाँ तेरे परिवार को जिंदा जला देगा।
नहीं नहीं उनकी भलाई के लिए अब से तू गूंगा हो जा, समझा? हाँ ठीक है ठीक है, जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। प्लीज मेरे परिवार को कुछ मत करना, प्लीज मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। कौन सी पहली कौन सी दूसरी और चूती है? ये समीर शाना गुड़वाया भैंचोत। चूती भर्ती करके रखे मैं। अपना दौलत और अपना लालच बंबई में हमेशा छुपा के रखना चाहिए। अब हेलो। हाँ भाई। हाँ हाँ थोड़ा बिजी था। हाँ अभी हाँ आता है ना। हाँ हो गया उड़ा दूँ। 3 2 ये बाबा ये भी बच गया। क्या एक्टर है रे। अरे झुमका मुमका भी इनके तू कहीं को हीरो बन रहे, तेरे को विलन होना चाहिए। हम तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं भाई, असली हीरो तो आप लोग हैं और आपका ये घोड़ा पसंद है तेरे को। तू रख भाई तू रख। दिल जीत लिया आपने भाई। क्या तूने डरा दिया। सर वो आपका शॉट रेडी है। मैं शॉट दे के आता हूँ भाई। हाँ जा तू जा। हाँ वो अरे हाँ सही है कड़क। क्या एक्टर है। हाँ भाई क्या क्या है तेरा आइडिया वो पैसा डबल करने का। हाँ भाई वो वही अपन को बात करना था। वो क्या है ना एक ढांसू आइडिया अपन के पास। अपन प्रोड्यूसर को ब्याज पे पैसा देता है ना और वो 100 की जगह 121% देता है अपन को बदले में, वो भी गारंटी के बिना। अभी अपन के पास ऐसा आइडिया है कि अपन को 100 का 200% मिलेगा, वो भी गारंटी के साथ। मैं कौन सा सोने का मुर्गी लग गया तेरे हाथ में। अरे भाई सोने का मुर्गी लगा है अपन के हाथ में। वो क्या है ना अभी अपन ब्याज पे पैसा दे रहा है ना, ब्याज पे पैसा देना बंद भाई। सुनो तो अभी अपन पार्टनरशिप करेगा, ये प्रोड्यूसर लोग का पार्टनर बनेगा और उससे क्या होगा ये अपन पिक्चर बनाएगा, पिक्चर बनाने का राइट्स जो होता है अपने पास रखेगा और जैसी पिक्चर रिलीज होने वाला है ना उसके पहले अपन राइट्स बेच देगा। पिक्चर बनाने वाला अपन, बेचने वाला भी अपन, धंधा सारा आपके हाथ में भाई, आपके कंट्रोल में। सोचो जरा क्या बोलते हो भाई। ये शाने अपन कलीम अस्तान भाई से बात करते हैं। फुल मुगले आजम के दिलीप कुमार लग रहे ले। क्या स्टाइल है। चांद दे सिंधु बाबा माफिक आज देख भी लिया कि भाई और बादशाह में क्या फर्क होता है। मुझे देखा गया। हम भाई अपनी पहली महबूबा है छोटे, इसके लिए कोई भी सबर हद से कम नहीं। क्यों हुसैन भाई। सही अपना धंधा बढ़ रहे ना, अपने पंटर लोग हैं। आप अंदर चलिए ना, आपसे बात करनी है। अरे रुकना छोटे, अभी तेरा भाई आया है, खातिरदारी नहीं करेगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, करेंगे ना भाई। भाई सलाम भाई, वो मस्तान भाई से बात करते ना फिल्म का धंधा बढ़ाने का। अभी तो भाई आ रहे हैं, खातिरदारी तो करने दे। चल जा। जी भाई सलाम। मस्तान भाई तेरा आइडिया पूछने को बुला रहे हैं। तेरे साथ सोने को नहीं, ब्लैक पेन हीरो दिखता है। आइडिया बेच के
तेरे लिए बिरयानी बिछा दे मटन वाली। आज तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा। चल निकलता है अपन, शाम को मिलता है। भाई अपने नवाब को धंधा सिखा रहे ला। दिमाग है लड़के में, उसको बता रहा था कि धंधा बढ़ाने का कैसे। भाई अभी तक हम फिल्म में पैसा लगाते थे ना, उसमें अभी अपन पार्टनर बनेगा, प्रॉफिट डबल भाई। आइडिया तो अच्छा है छोटे, मुझे नहीं पता था इसको धंधे का भी शौक है। बस क्या भाई, सुना इसमें रिस्क डबल है, फिल्म नहीं चला तो। अरे भाई कोई रिस्क बिस्क नहीं है, अपन के पास जुगाड़ है। अपन वो क्या बोलते उसको, वो राइट्स, राइट्स भाई, राइट्स के जरिए अपन पैसा वापस कमाएगा। वो म्यूजिक राइट्स, टीवी राइट्स, इंटरनेशनल बोले तो बाहर का भी राइट्स अपन को मिलता है। तेरे से पूछा कोई इधर भाई, पूछे तेरे से भाई। भाई आजकल के लड़के ना उंगली तो लंड पकड़ते। भाई अपन जो राइट स्पीड से ना वो पहले ही बेच जाएगा, कोई रिस्क नहीं, एकदम सेफ। चालू कब करना है? उंगली तो लंड पकड़ लेते साला मातर चोर। ए हीरो, तीन ही ग्लास है अपुन के पास। क्या बोला? पूरा आइडिया अपुन का, भेजा अपुन का, सेटिंग अपनी, प्लान अपुन का, और वो मातरचोद लाला। लाला जिधर बैठा है ना वो उधर ऐसे ही टिका हुआ है अपने से छोटों का गांड मार मार के। यही नियम है। नियम बदल सकता है मुमताज, किस्मत नहीं, और अपन बंबई का किस्मत है। जंगल के राजा से पंगा लेगा नवाब, एक ही मौका मिलेगा, चूक गया तो। तेवर बुलंद और भेजा तेज हो तो निशाना खुद तीर के पास चल कर आता है। टाइम आ गया। ये नवाब आणि हीरो। सलाम भाई। एक गैंग में रहकर दूसरी गैंग के लिए काम करने का खेल मुझे पता था, अब यही खेल कोई मेरे साथ खेल रहा था। फर्क इतना है कि वो कत्तार पकड़ा जरूर जाएगा, क्योंकि हर गैंगस्टर हीरो नहीं होता।